मैं शांति चाहता हूं पर घर में रहकर शांति कहां। और आप कहते हैं कि घर में रहकर ही सच्ची शांति पानी, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। 7 बच्चे, एक से एक बढ़कर उपद्रवी, कर्कशा पत्नी, सास भी अक्सर सिर पर सवार रहती, क्या ऐसे में शांत होना संभव है? दयाराम, सच तुम पर दया आती, रोना आता, दया योग ही हो। ये 7 उपद्रवी बच्चे कोई छप्पड़ से उतर आए? तुम्हारी ही कृपा है। मैंने देखे तो नहीं तुम्हारे बच्चे, लेकिन बाप को ही गए होंगे। लोग जिंदगी को ऐसा उलझाए चले जाते, अपने हाथ से उलझाए चले जाते, फिर रोते, खुद मकड़ी की तरह जाला बुनते हो, फिर खुद ही उसमें फंस जाते हो। किसने तुमसे कहा था दीवाल दीवाल जगह जगह लिखा है 2 या 3 बस? कुछ पढ़ते लिखते हो कि नहीं? दीवालों पर जो लिखा है उस पर कुछ अध्ययन मनन करो। मंत्र पढ़वाए जो पंडित ने वे हम पढ़ने लगे, यानी मैरिज की कुतुब मीनार पर चढ़ने लगे। आए दिन चिंता के फिर दौड़े हमें पढ़ने लगे, इनकम उतनी ही रही, बच्चे मगर बढ़ने लगे। क्या करें हम, सर से अब पानी गुजर जाने को है, 7 दुम छल्ले हैं घर पर, 8वां आने को है। घर के अंदर मस्ती रहती है सदा चीखो पुकार, आज है पप्पू को पेचिस, कल था बंटी को बुखार। जानकर भी ठोकरें खाई हैं हमने बार बार, शादी होते ही शनिचर हो गया हम पर सवार। अब तो राहु की दशा भी हम पे चढ़ जाने को है, 7 दुम छिल्ले हैं घर में, 8वां आने को है। घर में बस खाली कनस्तर के सिवा कुछ भी नहीं, जा बजा उखड़े पलस्तर के सिवा कुछ भी नहीं, खिड़की दरवाजे कहां, दर के सिवा कुछ भी नहीं, अपने घर में दोस्तों घर के सिवा कुछ भी नहीं। 1 तीली आपकी सिगरेट सुलगाने को है, 7 दुम छल्ले हैं घर में, 8वां आने को है। देखिए किस्मत का चक्कर, देखिए कुदरत की मार, दिल में है पतझड़ का डेरा, घर में बच्चों की बहार। मुंह को तकिए में छुपाकर क्यों न रोएं जार जार, रोटियों के वास्ते क्यों चाय की खातिर कतार। अपना नंबर और भी पीछे खिसक जाने को है, 7 दुम छल्ले हैं घर में, 8वां आने को है। कोई वैकेंसी नहीं, घर हो गया बच्चों से पैक, खोपड़ी अपनी फिरी, भेजा हुआ बीबी का क्रैक। खाइयां खोदें कहीं छुपकर बचाएं अपनी बैक, होने ही वाला है हम पर 8वां एयर अटैक। घर में फिर खतरे का भोपू भैरवी गाने को है, 7 दुम छल्ले हैं घर में, 8वां आने को है। दयाराम, ये 7 दुम छल्ले कैसे आ गए? शायद सोचते होगे क्या करें, भगवान की कृपा है।
अरे विधाता ने विधि में लिखा है। इस तरह की मूर्तापूर्ण बातों से हम अपने को भरमाए रखते और फिर उलझन खड़ी होगी। मगर हम इस तरह चलते हैं, इस तरह जीते हैं, इतनी बेहोशी में कि बिना सोचे समझे कुछ भी किए चले जाते। और फिर स्वभावतः समस्याएं तो खड़ी हो जाएंगी। अब तुम कहते हो मैं घर में शांत होना चाहूं तो कैसे हूं, घर में शांति कहां? और आप कहते हैं कि घर में रहकर ही सच्ची शांति पानी। निश्चित ही मैं कहता हूं घर में रहकर ही सच्ची शांति पानी, क्योंकि तुम कहीं और जाओगे तो कुछ और उपद्रव करोगे। आखिर तुम तो तुम ही रहोगे ना, यहां तो कम से कम इतना उपद्रव हो गया है कि थोड़ा होश रखना पड़ेगा कि अब और ना हो जाए। कहीं इक्के दुक्के पहुंच गए एकांत में तो कुछ और उपद्रव करोगे और फिर तुम्हारी उपद्रवों की आदत भी पड़ गई होगी। बिना शोरगुल के तुम्हें चैन भी ना पड़ेगा, हर चीज की आदत पड़ जाती। मेरे एक मित्र रेलवे में नौकरी करते, वो रिटायर हुए तो बहुत दिन से कहते थे कि बस रिटायर हो रहा हूं, 6 महीने में, 4 महीने बचे, 2 महीने बचे, बड़े खुश हो रहे थे कि रिटायर एक दफा हो गया, कहां की नौकरी ले ली, जिंदगी गंवा दी, बस दिन रात शोरगुल शोरगुल इस सेशन पर जिंदगी बीती। जब रिटायर हुए तो मुझसे आके बोले कि बड़ी मुश्किल हो गई, घर में नींद ही नहीं आती, स्टेशन पर ही सोने की आदत हो गई। सो रिटायर हो गए मगर सोने स्टेशन जाते, क्योंकि घर में नींद नहीं आती। जब तक खटर पटर ना हो, रेलगाड़ियां ना चले, संटिंग ना हो, मालगाड़ी इधर से उधर ना जाए, तब तक उनको नींद नहीं आती। ये साथ संगीत चाहिए ही, घर में एकदम सन्नाटा। मैंने सुना है कि फिलाडेल्फिया के पास से 3 बजे रात को एक ट्रेन गुजरती थी, कभी कोई शिकायत ना आई। बीच बस्ती से गुजरती, शोरगुल मचाती हुई, मगर कोई शिकायत ना आई। फिर अधिकारियों ने यह सोच के कि यह बस्ती में 3 बजे रात को लोगों की नींद खराब करना ठीक नहीं, उसका समय बदल दिया, उसको 7 बजे सुबह निकालने लगे। शिकायतों पर शिकायतें आई कि 3 बजे वाली गाड़ी का क्या हुआ, क्योंकि रोज हमारी नींद टूट जाती 3 बजे। चकित हुए अधिकारी कि तुम्हारी नींद क्यों टूट जाती, क्योंकि गाड़ी अब 7 बजे जाती। उन्होंने कहा इसलिए तो टूट जाती, हम आदी हो गए, वो 3 बजे निकलती थी, वो हमारी व्यवस्था का अंग हो गया था, अब वो 3 बजे नहीं निकलती, एकदम 3 बजे झटका लगता कि हुआ क्या, गड़बड़ हो गई, कुछ मामला क्या है, एकदम खालीपन हो जाता है वहां। मनुष्य का मन समायोजन कर लेता है। तुम कहते जरूर हो कि बड़ी अशांति है घर में, मगर इस अशांति को जरूर तुम चाहते होगे, नहीं तो पैदा क्यों की? और 8वें का ख्याल रखना, क्योंकि 7 तक अगर नहीं रुके तो बहुत मुश्किल है अब आगे रुक सको, क्योंकि कुछ लोगों की जिंदगी में ब्रेक होते ही नहीं, 7 तक नहीं लगा पाए तुम ब्रेक, अब कब लगाओगे? ये उपद्रव बढ़ता ही चला जाएगा। मुल्ला नसुद्दीन की पत्नी
अपने तीन बेटों को एक से कपड़े पहनाती थी। फिर तीन की जगह धीरे धीरे होते होते 13 हो गए, फिर भी सबको एक से कपड़े पहनाती। उसकी एक पड़ोसन ने पूछा कि मेरी कुछ समझ में नहीं आता, जब तुम्हारे तीन थे तो तुम उनको एक से कपड़े पहनाती थी, और मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने कहा इसलिए एक से कपड़े पहनाती हूं कि कोई कहीं खो ना जाए। अब तो 13 हो गए, अब क्यों पहनाती हूं? तो उसकी पत्नी ने कहा मुल्ला की कि अब इसलिए पहनाती हूं कि कोई दूसरा इनमें ना मिल जाए। अब किस किस को याद रखूं? लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कहीं और जाने से कुछ भी ना होगा, तुम ही रहोगे, तुम फिर कुछ उपद्रव खड़ा कर लोगे। एक तरह का उपद्रव नहीं होगा तो दूसरी तरह का कोई उपद्रव होगा, मगर तुम बिना उपद्रव के रह ना सकोगे। अब यहां उपद्रव हो ही चुका है, अब नया उपद्रव क्यों खड़ा करना? मैंने सुना एक मुनीम चोरी करता रहा, अपने मालिक की करता रहा। उसने महल भी खड़ा कर लिया, बड़े बगीचे लगा लिए, पहाड़ पे भी मकान बना लिया, समुद्र के तट पे भी मकान बना लिया। करीब करीब जो भी जरूरी था सब उसने उपलब्ध कर लिया, तब पकड़ा गया। सेठ ने उससे कहा कि ये बात ठीक नहीं, तुम इसी वक्त अलग हो जाओ, हालांकि तुमने मेरी इतनी सेवा की इसलिए मैं तुम्हें कोई और दंड नहीं दूंगा, लेकिन नौकरी पे अब नहीं रख सकता। उस मुनीम ने कहा कि सुनो, आपने सदा मेरी सुनी, एक बिनती मेरी और सुनो, नया आदमी रखोगे उसको फिर आबासा से शुरू करना पड़ेगा, वो फिर मकान बनाएगा, फिर पहाड़ पे बनाएगा, फिर समुद्र के किनारे बनाएगा, मैं तो सब कर ही चुका, अब क्या झंझट। सेठ को भी बात जची कि बात तो ठीक कह रहा, नहीं हटाया नौकरी से, कहा कि तेरी बात ठीक, अब तू तो जो कर चुका सो कर चुका, यही मैं तुमसे कहता हूं, तुम अगर भाग गए दयाराम तो फिर से आबासा से शुरू करोगे। यहां तो उपद्रव इतना हो गया कि शायद उपद्रव तुम्हें अब और करना मुश्किल हो जाए, उपद्रव ही तुम्हें रोके कि बहुत हो चुका, ऐसे ही बहुत हो चुका। फिर पहाड़ पर एक तरह की शांति जरूर मिलती, मगर वो पहाड़ की होती, तुम्हारी नहीं। पहाड़ पर धोखा आ जाता कई लोगों को, एकांत गुफाओं में बैठे हुए योगियों को अक्सर धोखा हो जाता कि वो शांत हो गए, मौन हो गए, सब ठीक हो गया। उनको जरा ले आओ बाजार में वापस और तुम पाओगे सब मौन और सब शांति वहीं पहाड़ पर छूट गई, बाजार में आते ही उपद्रव शुरू हो जाते। तुम्हें कोई गाली ना दे तो क्रोध ना आएगा, ठीक है, इसका यह अर्थ नहीं कि क्रोध मिट गया, इसका इतना ही अर्थ है कि गाली देने वाला नहीं मिल रहा है। कोई गुफा में बैठे हो कोई गाली नहीं देता, क्रोध भी क्या करोगे, किस कारण करोगे, किस पे करोगे। लेकिन आओ वापस दुनिया में, यहां गाली देने वाले तैयार बैठे, अपनी अपनी गाली पर धार रख के बैठे, कोई ना कोई मिल जाएगा, और एक क्षण में तुम्हारी सारी शांति, तुम्हारा सारा मौन, तुम्हारी सारी साधना छितर बितर हो जाएगी। एकांत में बैठ जाओगे जाके, कोई स्त्री नहीं दिखाई पड़ती तो धीरे धीरे से आज सोचने लगोगे कि ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो गए, आओ जगत में, और यहां कोई सुंदर स्त्री रास्ते पे दिखाई पड़ जाएगी, और जो पहाड़ से उतरता है बहुत दिन के बाद उससे हर स्त्री सुंदर दिखाई पड़ती है, ख्याल रखना, उसको बस सकल से बस सकल स्त्री भी सुंदर दिखाई पड़ती, और बस मुश्किल खड़ी हो जाएगी।
जहां तक मुझे पता है उर्वशी और मेनका इतनी सुंदर नहीं जितना शास्त्रों में लिखा है, ये ऋषि मुनियों की भ्रांति। ऋषि मुनि देर तक बैठे पहाड़ पर, बैठे हैं बैठे हैं बैठे, कोई आते ही नहीं कोई जाते ही नहीं। कई ऋषि मुनि तो बीच बीच में आंख खोल के भी देखते रहते होंगे, मेनका अभी तक नहीं आई, क्या भेजो इंद्र देवता, अब कब तक ऐसे ही बिठाए रखोगे। और कोई भी स्त्री आ जाए और लगी कि मेनका आ रही, भूखे आदमी को रूखी रोटी भी बहुत स्वादिष्ट लगती है तो तुम्हें मालूम, वैसा ही भूखा आदमी हो जाता जंगल में बैठा हुआ, सब तरह की सुविधाएं छिन गई उससे, भीतर ही भीतर कुड़ता रहता है और ऊपर ऊपर से किसी तरह राम राम की धुन लगाए रखता है, क्योंकि अपने को बुलाए भी तो रखना है, शोरगुल मचाए रखता है राम राम का ताकि पता ना चले भीतर क्या चल रहा है। मगर इसको तुम शांति कहते हो? ये खो जाती जरा में, देर नहीं लगती, इसका कोई मूल्य नहीं। बाजार के घनेपन में अगर तुम शांत हुए तो तुम तुम्हारी शांति को कोई भी ना छीन सकेगा। इंद्र देवता भेजे मेनका, तुम कहोगे कि भाई आगे, घर की बाई ही काफी, कहीं और जाओ, किसी ऋषि मुनि को तलाशो। इसलिए तो ग्रस्तों के पास कभी मेनका और उर्वशी आती नहीं, आगे करेंगी भी क्या, ऋषि मुनियों के पास आती। और तुम कहते हो दयाराम कि मेरी कुछ समझ में नहीं आता, सात बच्चे हैं, एक से एक बढ़कर उपद्रवी, करकसा पत्नी। पत्नी करकसा हो ये जरूरी नहीं, मगर सभी पतियों को पत्नी करकसा मालूम होती और सभी पत्नियों को पति दुष्ट मालूम होता है, दुर्भाग्य मालूम होता है। ये पति पत्नी के नाते के बड़े राज हैं। जो पत्नी बिल्कुल कोकल कंठी मालूम होती थी विवाह के पहले, वो एकदम करकसा हो जाती, वही पत्नी उसकी आवाज सुन के एकदम छाती दहल जाती कि फिर कोई मुसीबत शुरू हुई, फिर घबराहट फैल जाती। आदमी घर आता तो डरा हुआ आता है, बाहर सिंह की तरह दहाड़ता है, घर आता तो एकदम पूंछ दबा के कुत्ते की तरह प्रवेश करता है डरा हुआ, और जल्दी से अखबार उठा के और कुर्सी पर अखबार के पीछे अपने को छिपा के बैठ जाता कि पता नहीं कौन सी मुसीबत। और ऐसा नहीं है कि पत्नी करकसा है, लेकिन ये जो मोह और आसक्ति के नाते रिश्ते हैं क्षणभंगुर है, ये जो मिठास है ऊपर ऊपर है पीछे सब कड़वा हो जाता है। इसमें किसी की पत्नी हो किसी के पति का कोई दोष नहीं, ये सब नाते रिश्ते कड़वे हो जाते। ये ऐसी समझो कि जैसे एलोपैथी की दवाइयां होती, ऊपर से शक्कर का एक परत चढ़ा देते, बस घटक लो जल्दी से, मुंह में रख के चूसने मत लगना, नहीं तो जल्दी ही शक्कर की परत तो गल जाएगी और फिर जहर ही हाथ लगेगा। और लोग यही कर रहे हैं, पति पत्नी एक दूसरे को चूस रहे हैं, तो जल्दी ही शक्कर की परत तो उखड़ जाती और फिर भीतर का जहर प्रकट होने लगता है। जब तुम किसी स्त्री को जुहू तट पे मिलते हो तो वो भी सजी समरी
वो भी रंग रोगन किए, वो भी इत्र फुलेल लगाए, तुम भी सजे समरे, तुम भी इत्र फुलेल लगाए, तुम भी कोर्ट में जगह जगह रुई इत्यादि भरवाए हुए कि छाती भी दिखे कि दारा सिंह की, मगर ये रुई कब तक धोखा देगी, घर में कभी तो कोट उतारोगे। तब असली छाती दिखाई पड़ जाए, और पत्नी भी यही कर रही कि वो भी अपने को सजाए संवारे, शरीर को बांधे तरह तरह से। स्त्रियां कैसी कर कैसी सर्कस में पड़ी है कहना मुश्किल, कमर कस के बांधे हुए हैं कि पतली मालूम पड़े, क्योंकि ये दुष्ट कवि न मालूम क्या क्या कह गए कि सुंदर स्त्री की कमर होती ही नहीं। अब सुंदर स्त्रियां कमरों को मिटाने में पड़ी, मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन घर आया, रास्ते में पड़ा एक साइकिल का हैंडल उठा लाया। पत्नी ने कहा कि फेंको बाहर, जब साइकिल ही घर में नहीं तो हैंडल का क्या करो। तो मुल्ला ने कहा कि तू न मालूम कहां कहां की चोलियां खरीद के लाती, मैं तो कुछ नहीं कहता, भीतर कुछ है ही नहीं। तो मैं एक साइकिल का हैंडल ले आया, बिना साइकिल के तो क्या बिगड़ रहा है, तेरा क्या बिगड़ रहा है। अरे आज हैंडल मिला कल साइकिल भी मिल जाएगी, खोज करने से आदमी क्या नहीं पा सकता, पहुंचने वाले चांद तक पहुंच गए। तो इधर स्त्रियां हैं पुरुष हैं सजे बजे मिलते हैं, तो एक बात, उनके पसीने की बदबू भी नहीं आती, उनके शरीर की बास भी नहीं आती, उनके असली रंग भी नहीं दिखाई पड़ते, और सब मधुर बातें करते हैं, कविताएं दोहराते हैं, फिल्मी गीत गुनगुनाते हैं। वो कहता तू चांद का टुकड़ा है, और स्त्री कहती तुम जैसा सुंदर कभी कोई कृष्ण कन्हैया हुआ ही नहीं, तुम कृष्ण कन्हैया के अवतार। मगर ये ज्यादा देर नहीं चल सकता, ये विवाह के पहले ये सब ठीक, विवाह के बाद सब बात बिगड़ने ही वाली है, असलियत उघड़ने ही वाली, और तब पत्नी कर्कशा मालूम होती। ये वही पत्नी है जो कोकल कंठी थी। अक्सर जो कवि स्त्रियों के संबंध में सुंदर सुंदर गीत लिखा करते हैं अविवाहित होते, अविवाहित ऐसी बातें लिख सकते, कोई विवाहित से तो पूछे वो एकदम सिर ठोक लेते। चंदुलाल विवाह करना चाहते थे, जोशी को हाथ दिखाया, जोशी ने कहा कि जरूर करो, सुंदर स्त्री मिलेगी, सुंदर पुत्र होंगे, घर भरा पूरा होगा, शांति और आनंद होगा। फिर चंदूलाल को ये तो कुछ हुआ नहीं, शादी हो गई, इससे सब कुछ उल्टा ही हुआ। एक दिन जाके जोशी को पकड़ लिया, एकदम गर्दन पकड़ ली कि जोशी के बच्चे तूने जो कहा था सब उससे उल्टा हो रहा है। जोशी ने कहा ठहर भाई, क्या उल्टा हो रहा है। चंदूलाल ने कहा घर में शांति बिल्कुल नहीं है। उसने कहा गलती बात, मेरे घर में देख, मैंने अपनी पत्नी का नाम शांति रख लिया, घर में शांति और क्या मतलब होता शांति। अरे मेरी देख हालत, मेरे बड़े लड़के का नाम संजय, मेरे छोटे लड़के का नाम कांति, फिर भी घर में शांति।
तू क्या खाक अपनी रो रहा है? नाम बदलने की बात है। दयाराम, और तुम कहते हो कि सास भी अक्सर सिर पे सवार रहती। अच्छे लक्षण है, ऐसी तो सन्यास का जन्म होता है, ऐसी तो आदमी को विराग भाव पैदा होता है, करे संसार में कुछ भी नहीं, यहां कोई सार नहीं, सासे ना हो तो संसार असार है, यह अनुभव कैसे हो? मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन पहुंचा अपने पशु चिकित्सक के यहां और कहा कि मेरे कुत्ते की पूंछ काट दो। उसने कहा क्या कह रहे, इतना सुंदर कुत्ता, इतना प्यारा कुत्ता, इसकी पूंछ काट के इसको बर्बाद कर रहे हो? कहा तुम बात ना करो, पूंछ काटो, देर ना करो, जल्दी करो। उसने कहा मगर जरूरत क्या है, इसकी पूंछ में खराबी क्या है? नसरुद्दीन ने कहा अब तुम्हें को सब समझाना पड़ेगा, मेरी सांस आ रही और मैं घर में उसके अभिनंदन का कोई चिन्ह नहीं छोड़ना चाहता, और ये कुत्ता मूर्ख है, इसको आज सात दिन से समझा रहा हूं कि बेटा सांस आए पूंछ मत हिलाना, मैं कहता हूं ये पूंछ हिलाता, ये मूर्ख ना मानेगा। और उसको इतना भी पर्याप्त है कि कुत्ते ने पूंछ हिला दी, फिर वो हटने वाली नहीं। तुम्हारी मुसीबत दयाराम मैं समझता हूं, तुम्हारे मां बाप ने भी खूब सोच के तुम्हें नाम दिया, लेकिन अब जो हो गया हो गया, अब जहां हो जैसे हो भागो मत, अब वहीं स्वीकार करो इस स्थिति को, शायद इस अभिशाप में भी वरदान छिपा हो। अगर सांस में भी परमात्मा को देख सको, हालांकि यह बहुत कठिन काम, ऐसे लोग कहते सब में परमात्मा को देखो, वो भी नहीं कहते कि सांस में परमात्मा को देखो, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, शास्त्र भी छोड़ गए सांस को, सांस की बात ही नहीं उठाई। मगर मैं तुमसे कहता हूं क्योंकि मुझे तो शास्त्रों से उल्टी बातें कहने की धुन सवार है, तुम सांस में भी परमात्मा देखो, पत्नी में भी परमात्मा देखो, ये सात दुम छल्ले जो है इनमें भी परमात्मा देखो, और ये सब परमात्मा ने जो तुम्हारे चारों तरफ सुविधा असुविधा जो कुछ भी समझो रच दी है, इसी में, इसी के भीतर जागरूक हो। और मैं जिसको ध्यान कहता हूं वो कहीं भी साधा जा सकता है, तुम्हारे ध्यान की धारणा एकाग्रता की होगी, उससे तुम्हें अड़चन हो रही है, एकाग्रता साधना मुश्किल होगी, क्योंकि एकाग्रता का अर्थ होता है एक चीज पर ध्यान को लगाओ। अब तुम बैठे हनुमान जी पर ध्यान लगा रहे, और वो तुम्हारे साथ हनुमान जी, वो बीच बीच में आ जाएंगे, कोई टांग खींचेगा, कोई हाथ खींचेगा कि डैडी क्या कर रहे, क्या आंख खोलो। लोग मुझसे कहे कि हम आंख बंद करके बैठते, हमारा लड़का आंख खोल के देखता कि डैडी जिंदा हो कि नहीं, कि बैठे बैठे आंख बंद हो गई। एकाग्रता करोगे तो मुश्किल होगी, लेकिन एकाग्रता को मैं ध्यान कहता ही नहीं, ध्यान में जागरण को कहता हूं। जागरण बड़ी और बात, बच्चे शोरगुल कर रहे हैं, तुम जाग के सुन रहे साक्षी भाव से, कोई तुम्हारी आंख खोल रहा है, तुम साक्षी भाव से देख रहे कि ठीक आंख खोली जा रही। स
सास पास से गुजर रही कि ठीक सिर्फ साक्षी भाव, बुरे भले का कोई निर्णय नहीं कि कौन अच्छा कौन बुरा। पत्नी चिल्ला रही तो ये कहने की जरूरत नहीं कि कर्कशा, क्योंकि उसमें तो निर्णय हो गया, मूल्यांकन हो गया, सिर्फ आवाज आ रही। निष्पक्ष भाव से साक्षी धीरे धीरे संभालो। और मैं तुमसे कहता हूं इसी घर में बात समझ जाएगी, और इस घर में समझ जाए तो फिर इस दुनिया में कोई तुम्हें डिगा नहीं सकता। फिर तुम्हें नरक में भी कोई भेद दे, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तुम्हारा अभ्यास ऐसा होगा कि नरक के अधिकारी भी क्या खाक कर ले, वो तुम्हें देख के कह देंगे भैया तुम स्वर्ग की तरफ जाओ। दयाराम तुम नरक काफी देख चुके, तुम स्वर्ग जाओ। अब यहां किस लिए आए, अब हमारे पास और दिखाने को क्या है।